400 लोग यहाँ रहेंगे। मैं समझती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लखनऊ कैपिटल में हो रहा है, एनवी सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारा कि MSMEs बढ़ें, स्किल डेवलपमेंट हो, स्मॉल क्राफ्ट जो क्राफ्ट पीपल हैं उनको एक एवेन्यू मिले कि वो जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकें अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं सबके लिए, प्रॉपर स्टॉल्स हैं, अभी लग भी रही हैं क्योंकि आज ही शुभारंभ हुआ है इस महोत्सव का, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर लोगों को अच्छा लगेगा आकर। युवाओं के लिए क्या नया कुछ सीख मिलेगा वहाँ पर? देखिए, युवाओं को हमेशा, युवा जो है प्रेरणा का स्रोत ढूंढता है, और युवा हमेशा ऐसा वर्ग रहा है जिसमें तेजी भी है और जो ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दी चीज़ें ग्रैस्प करते हैं, तो काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर के अच्छा लगेगा, चाहे वो सिर्फ ख़रीदारी करने के पर्पज़ से आएँ या फिर अगर अपना खुद का भी बिज़नेस लगाने का अगर उनको मन करे, तो ये एक MSME, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सेक्टर्स इन इंडिया, और उत्तर प्रदेश में भी ये इसका जो है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इतने सारे महोत्सव हो रहे हैं योगी जी के राज में, और लोगों को बहुत सारे मेला घूमने का भी और मेला जाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा एवेन्यू रहेगा इनके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ खेल है, नृत्य है, खो खो है, सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखिए बहुत अच्छी बात है, अभी मुझे ये भी पता चला है कि यहाँ पर गंगा आरती होगी, और गंगा एक ऐसी नदी है जो कि सनातन में एक विशेष स्थान रखती है हम सभी के लिए, मुझे लगता है कि गंगा के अंजल पानी के बिना, मुझे लगता है किसी भी हमारे धार्मिक शास्त्र में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें गंगा का महत्व ना बताया गया हो, तो जन्म से लेकर मरण तक गंगा ही है जो मोक्ष प्रदायिनी है, तो मैं समझती हूँ इसमें आरती है, सनातन से जिस प्रकार से युवा वर्ग को जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार के सांस्कृतिक मंचन होंगे यहाँ पर, और हमेशा एनवी सिंह जी ने ये ध्यान रखा है कि स्टेट क्राफ्ट को, स्टेट आर्ट को बढ़ावा दिया जाए। पिछली बार जब मैं इनके एक महोत्सव में गई थी तो वहाँ पे कथक का मंचन हुआ था, तो जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा अच्छा नृत्य है, और बिरजू महाराज जी ने भी बहुत अच्छा इसमें जो है अपना योगदान दिया है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। मैम, जो नृत्य कार्यक्रम यहाँ होंगे, बच्चे यहाँ से उनको कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा, जी जी, तो यूपी महोत्सव उनको किस स्तर तक आगे ले जाएगी? अब देखिए, यूपी महोत्सव में एक बड़ा मंच है, बच्चों को एक अच्छा एवेन्यू मिल रहा है अपनी आर्ट को परफॉर्म करने का, तो डेफिनेटली जो है अपनी आर्ट को और ब्रशअप करेंगे और अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से फिर जो है बॉलीवुड के भी रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।